स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था और इनके प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे और इनकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो फर्स्टली बच्चे, आपने हमने किया था फिजिकल चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो अगर किसी की प्रीवियस वीडियो मिस हो गई हो तो आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे एजुकेशन मजाइल सर्च करना है, ठीक है, एजुकेशन मजाइल, ठीक है, उस पे जाके सर्च करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको ये सारी वीडियो, आपके क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस किए थे, इनकी एग्जांपल्स की थी हमने। तो हम यहाँ तक आए थे बच्चे, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज तक हमने ये किया था, बर्निंग ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस तक कर रहे थे हमने, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स, तो जो आप देखते हो स्टिक जल रही होती है तो हम उसको केमिकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज में बच्चे आपको पता ही होगा, हमने पढ़ा था ना, केमिकल चेंज में जो प्रॉपर ही उसमें केमिकल चेंज आ जाता है, हम न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, हम दोबारा वही चीज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हो गया। तो नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, स्पॉल हो गया ना, स्पॉलेज ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स। तो ये सारे हमारे केमिकल चेंजेस हो गए, क्योंकि इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दोबारा हम रीअबटेन नहीं कर सकते ना। तो इसमें देखो चेंजेस केमिकल की प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, तो ये हमारे केमिकल की एग्जाम्पल्स हो गए। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारा, केमिकल चेंजेस इज ऑलवेज कमोडेड बाय वन और ऑल ऑफ दी फॉलोइंग वे। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो कुछ मतलब इन कारणों की वजह से होते हैं, तो रेडिएशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है, ठीक है, इनमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है, चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस भी हो जाता है, हम ये मतलब मैं ये सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है एज ए रेजिड्यू। तो फर्स्टली क्या है, क्योंकि कोई रिएक्शन हो रही है, हमें हीट चाहिए, अब्जॉर्प्शन होगी ना, रेडिएशंस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो रही है, क्योंकि कभी आप देख किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं, ब्रोक करते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी होगी। तो जब भी हमारा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, कलर ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, चेंज कलर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अब सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जैसे बर्न करोगे आप माचिस को ही बर्न कर लो तो आप स्मेल आती है ना, ठीक है, स्मेल आती है, फॉर्मेशन ऑफ गैस होती है, आपने देखा होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एज ए रेजिड्यू, ठीक है, फॉर्मेशन हो जाती है सॉलिड की एज ए रेजिड्यू, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है बच्चे, तो चेंजेस चेंज इन प्रॉपर्टी एग्जाम्पल, तो इन चेंज इन प्रॉपर्टीज विद एग्जाम्पल बताया हुआ है मैंने इनको, देखो तो चेंजेस से चेंज इन प्रॉपर्टी का देखो, फर्स्टली रेडिएशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो फर्स्टली हमारा जो हम पढ़ रहे थे कि मैट जो हमारे केमिकल है उनकी ये प्रॉपर्टी है, रेडिएशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रही है, तो किसमें होगी ये, एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस में होती है, सच एज कोल हो गया, ठीक है, तो कोल हो गया, कैंडल हो गया, ये सारे इसमें हो गए, ठीक है, कैंडल्स हो गए, और हमारी हीट प्रोडक्शन हो गई, हिंसिड इज केमिकल चेंजेस लाइक ऐसे हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रही है, हीट की अब्जॉर्प्शन हो रही है, देयर फॉर इट इज केमिकल चेंज, तो इसको इसीलिए इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड हमारी किन किन में होती है, जब भी कोई फायर वर्क करती है, ब्रस्टिंग ऑफ फायर वर्क होता है, ठीक है, साउंड होती है, मतलब इट रिजल्ट्स, जब भी आप देखो माचिस से ना कोई चीज़ जलती है ना, फायर क्रैकर्स होते हैं, ठीक है, तो क्रैकर जलते हैं जब भी, है ना, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, हीट भी होती है, रेडिएशंस भी होती है, और गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये सारे आप एग्जाम्पल्स रखोगे इसमें। चेंज इन द कलर ऑफ सब्सटेंस, तो कलर चेंज हो जाता है केमिकल चेंज में, हमने बोला था ना प्रॉपरली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो क्या होगा, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल व्हेन कट एंड लेफ्ट इन ओपन एयर स्टार्ट अक्वायरिंग ब्राउन कलर ड्यू टू केमिकल चेंज। तो क्या होता है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल वो होते हैं, जब भी हम उसको कट कर देते हैं, आप वैसे ही उसको रख देते हो, सब्जी आपकी मम्मा कट करते हैं, तो आप देखते हो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एयर के टच में आ गया, तो उसका कलर ब्राउन ही होने लग जाएगा, ठीक है, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ड्यू टू केमिकल चेंज।
सिमिलर रस्टिंग ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ कलर ऑफ आयरन टू रेडिश ब्राउन इज आल्सो केमिकल चेंज. तो आपने देखा होगा बच्चे रस्टिंग ऑफ आयरन में, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो हमारा मतलब उसके ऊपर आप देखते हो एक रेडिश ही लेयर आने लगती है, ठीक है, आयरन टू रेडिश ब्राउन कलर होने लगता है और केमिकल चेंज हो जाता है, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं, कलर चेंज, ठीक है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैस. तो फॉर्मेशन गैस में देखो, विन एंटा एसिड आर मिक्सड इन वाटर बबल्स, एंटा एसिड आप वाटर बबल में मिक्स करोगे तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैस होती है एंड देयर फोर इट इज केमिकल चेंज. तो इसको हम केमिकल चेंज में कंसीडर करेंगे. तो जब भी आप एंटा एसिड को वाटर बबल वाटर में मिक्स करोगे वाटर बबल्स में, तो आप देखोगे गैस फॉर्म होने लगती है, सिन सिन की आवाज आने लगती है, ठीक है. तो चेंज इन द स्मेल ऑफ सब्सटेंस. तो इसमें देखो, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, आपका फूड स्पॉयल हो गया है, ठीक है, तो आप देखते हो क्या होने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगती है. दिस इज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज ऑफ फूड. जैसे आप देखते हो कोई चीज आपकी गल गई, या फ्रूट गल गया, आप कितनी गंदी स्मेल आती है, सब्जी खराब होगी तो कितनी गंदी स्मेल आती है ना. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लिख लो, रूटन एग्स ऑफ्टन प्रोड्यूस ए बैड ऑर्डर ड्यू टू प्रोडक्ट ऑफ सल्फर, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर. तो क्या होता है, जो हमारे एग होते हैं रूटन एग्स, ठीक है, उनमें से बैड मतलब स्मेल आने लगती है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ऑफ सल्फर होती है, ठीक है. तो ये केमिकल चेंज है स्मेल लाने वाला. तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स. तो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में बच्चे आप देखो, सॉलिड्स में आप देखो, टू लिक्विड्स कंबाइन विद ईच अदर. तो आप जब भी कभी लिक्विड्स को कंबाइन करते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ में मतलब सॉलिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शेल्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंजेस, ठीक है. तो आप देखोगे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं उनमें से कुछ वो प्रेसिपिटेट मतलब कुछ सॉलिड्स और सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है. हम मिलाते हैं तो वो लिक्विड्स को है, ठीक है. तो लिक्विड्स को जब भी दो लिक्विड्स को ही मिलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो उसमें सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ठीक है. तो उसमें एक जो होता है सॉलिड सा फॉर्म होता है तो उसको हम सॉलिड प्रेसिपिटेट बोलते हैं. ये केमिकल चेंज है हमारा बच्चे. तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंजेस. तो ये वाले हमारे केमिकल चेंजेस है, आयरन रस्टिंग, बर्निंग वुड, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एन एग, बेकिंग ए केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रूटिंग बनाना, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, फायरवर्क्स और केमिकल बैटरी. ये हमारे केमिकल चेंज है, इनमें टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है. और भी आप ले सकते हो, मिल्क टू कर्ड, इट इज़ ए केमिकल चेंज. और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कुकिंग वेजिटेबल्स, ये भी है ना, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते आपके घर में. आप बहुत सारे केमिकल चेंजेस की एग्जांपल देखते हो, ठीक है. तो और भी बताओ आप बच्चे, सोचो जल्दी जल्दी और बताओ आपका कौन सा केमिकल चेंज होगा, ठीक है. आप सोचो, आप नोट डाउन करके रखो कौन कौन से हैं केमिकल चेंजेस, तो आप मुझे बता सकते हो. तो आप घर पे सर्च करोगे तो आपको जल्दी ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है. तो और आप ले एग्जांपल्स दे सकते हो जो भी अपनी मर्जी अकॉर्डिंग. तो नेक्स्ट देखो बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था ना, केमिकल चेंज है. तो इसमें क्या होता है बच्चे, जो हमारा मतलब लोहा होता है, आयरन होता है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है O2 से, क्योंकि वो जब भी बाहर एयर में पड़ा रहता है तो O2 से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और वाटर, उसके ऊपर बारिश वगैरह पड़ती रहती है. तो आप देखोगे कि मैंने पिक्चर शो की गई है बच्चे, तो देखो इसका, तो वो ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है. तो ये क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है. ये हमारा केमिकल चेंज है, उसकी टोटली फॉर्मेशन चेंज हो जाती है. तो देखो, फर्स्टली पहले वो ऐसा दिखता था, O2 के साथ रिएक्ट किया, उसके बाद H2 के साथ रिएक्ट किया और हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर आ गई. तो इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है. इट इज़ कंसीडरिंग केमिकल चेंज, ठीक है. इसको आप केमिकल चेंज में रखोगे क्योंकि इसमें उसकी आप उसको मतलब ठीक कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर पेंट वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि उसका टोटली चेंज हो गया ना. तो रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज हो गया, ठीक है. तो आप इसको केमिकली, मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है बच्चे, देखो नीचे, 4Fe+3O2+H2O, ठीक है. जो 4Fe है
ठीक है, मतलब फोर मॉलिक्यूल जो एटम या कुछ भी आप बोल सकते हो आयरन की है, और 3O2 ऑक्सीजन है, प्लस 2H2O वाटर है, जो आपस में रिएक्ट किए, इकट्ठे हुए और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारे पास 2Fe2O3H2O। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, इट इज केमिकल चेन, और इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आप इसको अच्छे से, केमिकल इक्वेशन है, आप इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि ये आपके यूजफुल है, आपको क्वेश्चन भी आता है, अच्छे से याद करो ना इसको, इक्वेशन को। ठीक है, तो ये Fe आयरन का केमिकल नेम है, और ऑक्सीजन को केमिकली O बोलते हैं, और वाटर को केमिकली H2O बोलते हैं। ठीक है, तो इनको 2Fe2O3H2O हमारा रस्ट बन गया। तो मैंने देखो पिक्चर शो की है, देखो ऐसा पहले लो जो आयरन है हमारा ऐसा है, उसके बाद खराब होने के बाद, रेडिश लेयर होने के बाद, उसकी रिएक्शन होने के बाद, केमिकल चेंज होने के बाद वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये देखो अच्छे से। तो नेक्स्ट बच्चे देखो, एक मैंने शो किया रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन, व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स ए रेड कलर सब्सटेंस ओवर इट, इट इज कॉल्ड रस्ट। तो जब भी हमारा, इसका क्या मतलब हुआ डेफिनेशन में, जो मैं आपको भी बोल के हटी हूँ, समझा के हटी हूँ, तो आयरन, व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, जो हमारा आयरन है वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है और वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद उसका रेड कलर फॉर्म हो जाता है, और उसके उस सब्सटेंस को रेड कलर जब भी उस सब्सटेंस के ऊपर ऊपर फॉर्म हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड रस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, रस्टिंग ऑफ आयरन, सीधा डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप ये सारी इक्वेशन भी लिखोगे और वो डेफिनेशन भी लिखोगे। ठीक है, आपको अच्छा अच्छे से समझ आया बच्चे इतना। तो नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन से पहले हमारा हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, और रस्टिंग होने से कैसे बचा सकते हैं हमारे आयरन को, तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के बाद क्या होगा, वो एयर के कंडक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, उसके ऊपर मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर जमा नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उसकी रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन गई है। ठीक है, अगर आप देखो किसी भी चीज को, जैसे आपकी गाड़ी वगैरह बारिश में खड़ी है, आप उसके ऊपर उसको जो उसका होता है कवर से ढक दोगे, तो उसके ऊपर नहीं पड़ेगी ना बारिश। तो ऐसे ही जो हमारा पेंट है, रस्ट हमारा आयरन है, ठीक है, उसके ऊपर आप पेंट कर दोगे, ठीक है, उसको ढक दोगे उसकी लेयर को, तो वो क्या होगा, उसका रिएक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन और वाटर से, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं रस्टिंग होने से। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड है हमारा गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, विच मीन, तो नेक्स्ट हम गैल्वेनाइजेशन एक और मेथड है, वो यूज कर सकते हैं हमारे आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विच मीन्स अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक क्रोमिंग मेटल ऑन द आयरन, तो जिसका मतलब है हम उसके गैल्वेनाइजेशन मेथड में हम एक जिंक की लेयर प्रोवाइड कर देते हैं, जिंक और क्रोमियम की, ठीक है, जो हमारी आयरन की कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है हमारा, उसके ऊपर हम गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज करके उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं जिंक और क्रोमियम की। जिंक और क्रोमियम एक मेटल है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे आयरन को रस्ट होने से बचाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है बच्चे, अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब पे एजुकेशन मजाइल सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट देखो क्रिस्टलाइजेशन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी बच्चे। तो हमारे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जल्दी से, मतलब कुछ भी ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।